कैसे हुई से का हुई ते लो पता नहीं भाई, मारे नहीं अनपीटे नहीं बोला। पेपर में सब जगह छपे है कि दोनों भाई मिलकर अपन पिता की हत्या कर दिया, इसी की बात है का? नहीं मारे है, हमारे लड़का मन मार बेच नहीं करे है, इसे कोई बात ही नहीं रही, ऐसे कोई बातें नहीं है, वो छोड़ाए भर भर के रही। इन दोनों के बीच में शराब के पौवा को लेकर विवाद हुआ और विवाद जो है बातचीत से बढ़कर जो है मारपीट में उतर गए और मारपीट करते करते जो है उसमें उसके पिताजी और ये खुद अंकलहीन भाई ये बीच बचाव के लिए गई तो उसको भी उन्होंने मार दिया, धक्का दे के गिरा दिया जिससे उसके सिर में चोट आई। मार बेटा माने ये खात नहीं लगा है, आप तो सामने में रहे हो देखे हो, हाँ सब चीज ला देखे हमें है, मोर बेटा मन मारे च नहीं है, एक हाथ नहीं मारे है, वो गिरे इससे लड़का मन है बस हुई है। तस्वीर में जिस घर को आप देख पा रहे हैं, इस घर की कहानी आपको आज बताने वाला हूँ। उतई के परेवा डी का ये एक घर है गांव का, और कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आपने अखबारों में और तमाम खबरों के माध्यम से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि दो भाइयों ने मिलकर अपने पिता की जो है हत्या कर दी थी। ये खबर जो है लगातार लोग इस विषय में बात भी कर रहे थे, तो हम भिलाई टाइम की टीम आज घर पर है, यहाँ बातचीत करेंगे कि उस रात हुआ क्या था, क्या वो सही में हत्या की गई थी या फिर एक हादसे में जो है उनके पिताजी की मौत हुई थी। खबर के अनुसार आपको बताएं तो जो घर का उस दिन माहौल था, जो बातचीत थी, वो यही था कि दोनों भाई मिलकर शराब पी रहे थे और इसी बीच कुछ पैसों को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ दोनों भाइयों के बीच में, और उस विवाद को रोकने के लिए जो है उनके माता और पिता रोकने के लिए आए थे। उसी बीच में छीना झपटी लड़ाई झगड़े जो हो रहे थे उसमें उनके पिताजी की मौत हो गई, ये खबर जो है सुनने को मिली थी। और सामने तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ये उनके पिताजी ही हैं जो तस्वीर में दिख रहे हैं। आज कार्यक्रम गाँव में रखा गया था पूरा, और अभी जो है माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, जो उस रात हुआ पूरी कहानी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा का हो रही से रात में आप झूठ झाट नहीं बोलो, मैं नहीं, जो बात है तेरा आराम से बता। अब लड़का मन हाँ काका थे पिए खाए रही से है, और काका थे वो मन अब झगड़ा होतरी से दोनों भाई, अब हम नौकर पापा हाँ काका थे छोड़ा लगी से। आपन कहाँ रहे हो, कहाँ पीतरी से कहाँ पिया थी सोमन, घर में? घर में नहीं होती से आ रही सोही। अच्छा हाँ, और काका थे पिए रही से, अब झगड़ा होती दोनों भाई। कहाँ लड़ रही से, बाहर? बाहर में नहीं, घर में। अच्छा, पी के आ रही से बाहर से। हाँ, और घर में लड़ रही से। हाँ, तब ओकर पापा हा काका थे छोड़ा बार गी से। आपन घर में ही रहे? हाँ, घर में रहे हैं, अब हम मर रहे हैं। काका थे वो माँ कैसे हुई से का हुई ते लो पता नहीं भाई, मारे नहीं अनपीटे नहीं बोला। पेपर में सब जगह छपे है कि दोनों भाई मिलकर अपन पिता की हत्या कर दिया, इसी की बात है का? नहीं मारे है, हमारे लड़का मन मार बेच नहीं करे है, ऐसे कोई बातें नहीं रही, ऐसे कोई बातें नहीं है, वो छोड़ाए भर भर के रही से, तब कैसे हुई ते खुद पता नहीं है। घरे अंदर में? हाँ, हमारे लड़का मन है आना चाहिए, हत्या नहीं करे है। नहीं करे है, हत्या नहीं करे है हमारे लड़का। काका नाम है? अंते तंते देते इसने यह कर करके यह करा सर। हाँ, देख रहे सती हमन घर में भी आए हैं कि का सच में का है, अब पेपर पढ़ के तो जो है वो चीज समझ नहीं आया, तो घर आना जरूरी थी। देख रहे सती आपसे भी बात कर रहा था कि ना, आपन तो सामने रहे हो जो भी हुई है ना। अब हम रहे छोड़ा हम सर। दोनों भाई के काका है? भाई मन के काका नाम ली से दोनों जन के? दशरथ और शशि। दशरथ और शशि। अब कैसे हुई तेला कुछ ला नहीं जान सब जान सकन भाई, हमार बेटा मनाना चाहिए। जगह ला देख सकता हूँ कभी? ये दे थे भाई, ये दे जगह है ये सामने में। हाँ ठीक है, जैसे पीना खाना रोजाना करे कि कैसे टाइप करी से, मतलब काली बस मतलब कहीं गए रही से तो पी के आए रही से? काली भर पिए रही से। ऐसे रेगुलर टाइप के नहीं? नहीं रेगुलर नहीं पीने वाला ना। ठीक
नहीं मारे ही हमारे बेटा मन है, हमारे बेटा मन आना चाहिए, हम ही चाहत है। तो नीचे गिर के तो फिर कैसे हॉस्पिटल लेंगे हो फिर? हाँ अब बला लड़का मन यही हो टीके बला पड़े आस पास में सब पड़ोसी मन ला पड़ोसी मन कुछ नहीं जाने सब सोवा पर गिरी से। कितना बजे रात के मामला है? दस दस ग्यारह बजे से। दस ग्यारह क्या? हाँ तो कौन ला बुलाया फिर, मतलब अस्पताल ले जाएगा आस पास में? ये बुला हन काय कथे ते गाड़ी ला एम्बुलेंस एम्बुलेंस ला और एक सौ बारह बुला रही हूँ समझाही है मन ऐसे बोल के अब बुला हूँ सर। लड़ाई झगड़ा मत करे ऐसे की के बुला रहे उसने गलती करे हाँ हम लड़का मला घर आना चाहिए मत तो कोई नहीं है। का काम करते हैं लड़का मना? पलान जाते एक झन मिस्त्री काम करते। कौन कौन है घर में? शादी हो गई? हाँ हो गए, छोटे लड़का खो गए है बड़े नहीं होंगे। ठीक है बाकी जैसे पेपर में छुपे है वो बहुत गलत गलत लिखे है। नहीं मारे है ना? हाँ हाँ नहीं मारे है मोर बेटा माने एक हाथ नहीं लगा है। आप तो सामने में रहे हो देखे हाँ, सब लगा हो हाँ, सब चीज ला देखे हमें है मोर बेटा मन मारे च नहीं है एक हाथ नहीं मारे है वो गिरे इससे लड़का मन है बस हुई है ऊपर ही गिर गिरी इसका हाँ वैसे गिर के अब छोड़ात रही से गोड़ मन ला धरे रही से अब लड़बड़ा गिरी सो ही सर अब ही में कैसे हो इसका तेल खुद नहीं जाना। ठीक है तो माहौल वैसे हो गई तो कुछ समझ भी नहीं आया समय। हाँ ठीक है बाकी पुलिस वाला मन फिर रात में ही लेके गए दोनों जनला। हाँ तो कहाँ बोला थे अभी? गलत गलत बोला थे मारे है करके। हाँ मारे है हत्या करे है कि बोला थो मन हो तो मुलाइका मन मारे च नहीं है ये तो आप मन तो जाके सामने में बोल सकते हो थाना में मैं सामने रहे हूं, नहीं मारे करके तब बोला था तब हो तो गलत लिखा थे सर गलत गलत बोल के लड़का मन ला रख ले और छोड़ा नहीं ये थे तब मोर का स्थिति हो ही अकेले हो गया सब घर में। हाँ बहु एक थी ना? हाँ ठीक है ये कहानी थी पूरी जो आपने सुना अभी और सामने तस्वीर में जो है यही पिताजी थे जो हादसा हुआ है जिनमें इनकी जान चले गई और जैसा घर वालों ने बताया कि हत्या करने जैसा कोई वहां पर उस रात में 10-11 बजे के बीच ऐसा कुछ वारदात नहीं हुई थी एक सिर्फ हादसा हुआ था कि छुड़ाने के मामले में जो गिर जाते हैं नीचे उस झटके में कुछ इंटरनल डैमेज की वजह से उनकी जान गई है। बाकी आगे पुलिस के जांच का विषय है पुलिस जांच करेगी आगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी इसमें आपको बताएंगे लेकिन खबरों के अनुसार ये छापा गया था अलग अलग माध्यम से जो हमने भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी उसमें भी हमने देखा था कि रात के समय में जो खबर आई थी उसके अनुसार रात के समय दोनों भाई मिलकर शराब पी रहे थे और शराब पीते पीते जब माँ बाप छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें भी धक्का मारा गया और उसी धक्का मारने के समय जो है पिताजी की हत्या कर दी गई थी ऐसा कहा गया था लेकिन माताजी बैठी हैं जो खुद उस समय सामने थी इनको भी धक्का मारा गया था छीना झपटी में लेकिन हत्या करने जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। बाकी इस मामले में क्या कुछ अपडेट होगा आपको लगातार बताते रहेंगे इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा लेकिन भिलाई टाइम्स हमेशा आपसे यही अपील करते आ रहा है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं इसके साथ साथ परिवार बर्बाद भी करता है ये खुद में एक उदाहरण है इस विषय को लेकर। तो नशा नाश होता है नशे से तो बिल्कुल दूर रहना ही चाहिए और अपने परिवार को अच्छा रखना है तो नशे से बिल्कुल दूर रहें इस विषय में जो अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे फिलहाल जो मामला है वो हादसा का नज़र आ रहा है। 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात्रि हमारे पास सूचना आई श्रीमती अंकलहीन ठाकुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके घर में दो बेटे हैं एक का नाम दशरथ और एक का नाम शशि ठाकुर है
इन दोनों के बीच में शराब के पौवा को लेकर विवाद हुआ और विवाद जो है बातचीत से बढ़कर जो है मारपीट में उतर गए और मारपीट करते करते जो है उसमें उसके पिताजी और ये खुद अंकलहीन भाई ये बीच बचाव के लिए गई तो उसको भी उन्होंने मार दिया, धक्का दे के गिरा दिया जिससे उसके सिर में चोट आई। और उसके पिता भगवान सिंह ठाकुर जब उसको रोकने के लिए गए, वो अपाहिज है, करीब 12-13 साल पहले ट्रेन दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए थे और वो रोकने गए तो उनको भी जो उन्होंने लात घूसा से मारा और उसके बाद उसको उसके ऊपर उन लोग चढ़ गए जिससे उनको अंदरूनी चोटें आई और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने अपराध धारा 103 BNS और 35 BNS के अंतर्गत कायम किया है और इसमें हम लोगों ने पूरी कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है।